प्यारे स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। 12th क्लास विषय अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है भाई, आर्थिक समस्या क्या है या व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है या चुनाव की समस्या किसे कहते हैं या सीमितता का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन हमारा ये भी बनता है, सीमितता का अर्थ क्या होता है, सीमितता का अर्थ क्या होता है। सॉरी बच्चों, सीमितता का अर्थ क्या होता है। तो भाई वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आज इसका क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। 12th क्लास वाले जरूर देखें, क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई क्या है आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या क्या है या चयन की समस्या क्या है, चयन की समस्या क्या है या सीमितता का अर्थ क्या होता है। तो भाई मानव के पास या मनुष्य के पास साधन सीमित मात्रा में है तथा उसकी जो आवश्यकताएं होती है असीमित होती है, इसीलिए उसको यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपभोग करे। इसी को चुनाव की समस्या कहते हैं या आर्थिक समस्या या चयन की समस्या भी कहते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर आपको कैसा लगा एक बार और बताता हूं। मनुष्य के पास साधन सीमित मात्रा में होते हैं तथा उसकी आवश्यकताएं असीमित है, इसीलिए उसको यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उपभोग करे। इसी को चुनाव की समस्या या आर्थिक समस्या कहते हैं। तो भाई आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के जो कारण है, कारण क्या है भाई, तीन कारण। नंबर एक असीमित आवश्यकताएं, नंबर दो सीमित साधन, नंबर तीन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो बच्चों आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा मैं आशा करता हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।